हरदोई के कांचीराम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी में लगे एक मोबाइल टावर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक चढ़ गया, जिसे देख वहां लोगों की भीड़ लग गई और लोगों द्वारा युवक को टावर से उतारने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन युवक नहीं उतरा। हम कांचीराम कॉलोनी। ये लड़का टावर में जो चढ़ा आपका है? हाँ। ये कैसे चढ़ गया, क्या है वजह? ये पागल हो गया है, इसकी हम दवा बरेली तेरे नखलौत पे ले चलायन, रानी साहिबत चलायन, अब बरेली चल रही दवा राम गुलाम मारी है तो नहीं घरी चले, हमारे पागल होगा भागो भागो घूमत। प्रयास करने पर भी जब युवक नहीं उतरा तो ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारने में सफलता पाई। युवक की मां ने बेटे के उपचार के लिए प्रशासन से भी गुहार लगाई है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के पलिया गांव निवासी युवक ने आर्थिक तंगी की वजह से घर में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। विकास सिंह लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से लगभग 3 महीने पहले नौकरी छूट गई और वो लखनऊ से अपने घर वापस आ गए। आखिरकार आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने घर के अंदर फांसी लगा ली। हाँ, हम विकास जी के चाचा हैं और विकास ने विशेष परिस्थितियों के कारण उनकी जो नौकरी वोकरी छूट गई थी कोरोना के कारण, और इसी कारण से उन्होंने अपनी स्वयं आत्महत्या कर ली। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और विकास को फांसी के फंदे से उतार लिया। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई के सवाजपुर से बाल गोविंद मिश्र की रिपोर्ट। कोविड 19 का होना भयावह है, और अगर कोविड 19 का मरीज स्वस्थ होकर लौट आता है तो लगता है मानो किसी जंग को जीत कर आ गया है, फिर स्वागत तो बनता ही है। ऐसा ही कुछ हुआ हरदोई के सवाजपुर तहसील के पाली कस्बे में। कोरोना वायरस को मात देकर लौटे कस्बे के आर्यव्रत ग्रामीण बैंक के मैनेजर का बैंक कर्मियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर उप शाखा प्रबंधक अमर सिंह सहित दर्जनों बैंक ग्राहक व बैंक कर्मी मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई के सवाजपुर से बाल गोविंद मिश्र की रिपोर्ट। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के कानपुर राजमार्ग ढोलिया गांव में एक दर्दनाक घटना की खबर है। ट्यूशन पर जा रहे मासूम छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, मासूम छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। ये थाना सुरसा में एक भरमपुरवा गांव पड़ता है। तो भाई, एक बच्चा ट्यूशन के लिए 12 साल का जो साइकिल से जा रहा था, एक ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई है। सबको पंचायतनामा के लिए हरदोई EMS भेजा गया है और ट्रक और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो ट्रैफिक की समस्या है सुचारू रूप से चलती रही है, कोई समस्या नहीं है। गुस्साए परिजनों और गांव के लोगों ने कानपुर राजमार्ग जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद जाम को खुलवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।